आज की जो डेटा स्ट्रक्चर की क्लास है, इसमें हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन जो हमने किया था उसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझेंगे। हमने यहाँ पर C++ में स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था। उसके लिए हमने एक एरे बनाया जिसकी साइज़ दी 5, एक टॉप पॉइंटर के लिए एक इंटीजर एलिमेंट बनाया और पुश और पॉप नाम के दो फंक्शन बनाए। आप यहाँ पर देखेंगे पुश फंक्शन में एक इंटीजर वैल्यू पास हो रही है जबकि पॉप में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। आपको पता है पुश मतलब इंसर्ट, जो वैल्यू इंसर्ट होती है उसको पुश बोलते हैं और जो वैल्यू बाहर आती है उसको पॉप बोला जाता है। और शो नाम का भी एक प्रोटोटाइप बनाया है जो ये बताएगा कि हमारा जो स्टैक है वो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे हमने सिंपल क्लियर स्क्रीन बनाया। टॉप की स्टार्टिंग पोजीशन हमने रखी -1। -1 मतलब टॉप अभी, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और हमने यहाँ पे एरे लिया है इसलिए यहाँ पर -1 लिया। अगर एरे नहीं लेते, लिंक लिस्ट लेते, तो ये 0 से स्टार्ट कर सकते थे इसको। चलिए यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू एन लिया ताकि जो वैल्यू पुश करनी है उसको यहाँ पर होल्ड करा सकें, और एक हमने लेबल लिया ताकि लूप को बार बार चला सकें। अब एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैंडल भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर हमने एंटर 1 टू प्रिंट, यानी कि स्टैक को डिस्प्ले करने के लिए, एंटर 2 पुश करने के लिए, 3 जो है पॉप करने के लिए, और 0 जो है वो एग्जिट करने के लिए, और यहाँ पर चॉइस मांगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो भी चॉइस है, अगर आपकी 1 है, आपने 1 एंटर किया है तो शो हो जाएगा, 2 एंटर किया है तो पुश हो जाएगा, 3 एंटर किया तो पॉप हो जाएगा, और 0 एंटर किया तो वो एग्जिट हो जाएगा, अदरवाइज वो लूप में जंप करेगा ऊपर की। और ये गो टू वगैरह जो हमने सी में देख रखा है, ठीक है, गो टू LBL जो है हमने नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने जो पुश पॉप देखा था उसका एल्गोरिथम है ये। पुश का जो एल्गोरिथम है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया कि सबसे पहले चेक किया कि स्टैक जो है वो फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो फिर वो ओवरफ्लो बोल के एग्जिट हो जाएगा या एल्स में नहीं जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर वो इंक्रीमेंट होके टॉप पे वैल्यू असाइन हो जाएगी। सिंपल सा एल्गोरिथम है। और अगर ये पॉप का आप देखेंगे, सबसे पहले पॉप जब कॉल होगा सबसे पहले हमको चेक करना होगा क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी मतलब अगर टॉप -1 पे है, ये एम्प्टी वाली कंडीशन हम लोग देख रखे हैं कि स्टैक अगर एम्प्टी है तो फिर वो एक सिंपल सी वैल्यू रिटर्न करके वो अंडर फ्लो एरर करके वो बाहर निकल जाएगा। अगर एम्प्टी नहीं है तो पॉप वाला जो प्रोसेस हो वो होगा। ये एल्गोरिथम में स्टेप्स ध्यान देना है आपको, और शो में कुछ भी नहीं करना है, एक लूप चला करके एरे स्टैक को हमने प्रिंट कर देना है। क्लियर है, सिंपल सा है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट होगा। लेकिन ये हमने लास्ट क्लास में कोड किया था, बट यहाँ पर क्या हुआ था कि इसका इंटरफेस उतना अट्रैक्टिव नहीं था। आज हम उसको अट्रैक्टिव लुक देंगे। सबसे पहले अट्रैक्टिव लुक देने के पहले इसको हम एक बार रन करके पुराने लुक को देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये स्टैक का प्रोग्राम है और आपको बोल रहा है एंटर 1 टू प्रिंट स्टैक, 2, 3, 4 और 0 ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे पहले मैं 1 देता हूँ, यानी कि मैं प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि स्टैक अभी अभी बना है और वो पूरी तरीके से एम्प्टी है। जैसे मैं 1 करूँगा तो आंसर आया स्टैक इज एम्प्टी, और फिर से वो दोबारा मुझे चॉइस एंटर करने के लिए मौका दे रहा है कि स्टैक अभी एम्प्टी है, आपने प्रिंट करने बोला और मेरे प्रोग्राम ने स्टैक को प्रिंट किया कि वो एम्प्टी है। अब आप दोबारा आप कुछ करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं तो 2 दबाइए, और पॉप करना चाहते हैं तो 3 दबाइए। ये सेम उसी तरीके से है जैसे आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन पर सॉरी आपके मोबाइल पर कोई फ़ोन आता है कि अगर आप हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 1 दबाइए और इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 2 दबाइए। मेन्यू ड्रिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूँ यानी कि वो पुश के लिए मेरे पास आगे बढ़ेगा। तो पुश करने के लिए वो मुझे एक एलिमेंट पूछेगा जैसे मैं 2 दबाऊंगा। देखिए ये पूछ रहा है एंटर एन एलिमेंट, तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेता हूँ 10। मैंने जानबूझ के इस तरीके का सीरीज लिया है तो 10 करते ही वो क्या कर दिया, पुश कर दिया, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है, मेमोरी में उसने 10 को पुश कर दिया। अब मैं दोबारा अगर प्रिंट करके देखना चाहूँ यानी कि 1 करता हूँ तो देखिए आपके पास स्टैक दिखाई दे रहा है, स्टैक इज 10। स्टैक में एक एलिमेंट आ चुका है, स्टैक में एक एलिमेंट आ चुका है। क्लियर है। तो स्टैक इस तरीके से हमारा पुश हो चुका है। अब मैं फिर से पुश करना चाहता हूँ
तो 2 दिया मैंने, फिर से एक एलिमेंट पूछा मैंने, यहाँ पे 20 दिया, जानबूझ के 10 20 30 इस तरीके की सीरीज दे रहा हूँ मैं ताकि वो याद रहे। तो जैसे ही मैंने 20 दिया और एंटर किया तो स्टैक में 20 जो है वो पुश हो चुका है। अब डिस्प्ले करने के लिए फिर मैं 1 दबा रहा हूँ, तो 1 दबाते ही देखिए स्टैक इज 10 20। तो इस तरीके से स्टैक में एलिमेंट जो है पुश होते जा रहे हैं। फिर से मैं एक पुश कर देता हूँ, मैंने 2 लिया और मैंने 30 लिया, अब एंटर कर रहा हूँ, पुश हो गया। अब मुझे डिस्प्ले करना है तो 1 करके एंटर करूंगा, तो आप देखेंगे कि स्टैक में 10 20 30 आ गया है। अब आपको पता है कि जो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि स्टैक जो है वो लीफो एल्गोरिथम पे काम करता है, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपको यहाँ पे पता है कि सबसे लास्ट में 30 आया है, तो अगर मैं पॉप करता हूँ तो 30 बाहर आएगा ना कि 10। तो मैं पॉप एलिमेंट चलाता हूँ, पॉप के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 3, तो जैसे मैं 3 करूँगा तो एक एलिमेंट जो है वो पॉप हो जाएगा, पॉप होकर के वो मेमोरी में चला गया और कहीं पर यूज हो गया है, क्लियर है। लेकिन अब जब मैं स्टैक को प्रिंट करूंगा तो देखिए 1 मैंने दिया और एंटर किया, तो स्टैक में 10 और 20 बचे, क्योंकि जो सबसे लास्ट एलिमेंट था 30 वो पॉप हुआ है, क्लियर है। अब मैं फिर से पॉप करूंगा, यहाँ पर 3 करता हूँ, तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट है 20 वो पॉप होगा, पॉप हो चुका है। लेकिन जब मैं प्रिंट करता हूँ 1, तो ये 10 हमारे पास बचा हुआ है। इसके बाद फिर से मैं पॉप करता हूँ, अब मैं जब प्रिंट करूंगा तो स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक जो है वो एम्प्टी है। अब इसके बाद भी मैं पॉप करने की कोशिश करूंगा तो अंडर फ्लो वाला जो है हमारा एरर आ रहा है, देखिए स्टैक अंडर फ्लो, क्लियर है। यानी एम्प्टी होने के बाद अगर आप पॉप करने की कोशिश करेंगे तो अंडर फ्लो का एरर आएगा, और फुल होने के बाद अगर आप पुश करने की कोशिश करेंगे तो ओवर फ्लो का एरर आएगा। ये आपके एल्गोरिथम में था, उसका कोड हमने किया है। अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक हम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपने कोड में आते हैं, मैं 0 दबाता हूँ यहाँ पर तो वो एग्जिट हो जाएगा 0 दबाने से। कोड में आते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक यहाँ पर देते हैं। सबसे पहले तो जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पर, शो को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देते हैं। शो करने के बाद यहाँ पर जो शो हो रहा है, इसके बाद हम गेट सी एच दे देते हैं, ताकि हमको जो एलिमेंट है वो रुका हुआ दिखाई दे, वहाँ पर रुक जाए और एक एंटर करने के बाद डिस्प्ले करे, क्लियर है। तो गेट सी एच यहाँ पर देने से फ़ायदा क्या होगा कि एलिमेंट जो है वो रुका रहेगा वहाँ पर। और दूसरा चीज़ ये है कि जब भी यहाँ पर हम कोई ये एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं, एलिमेंट के साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक एरो प्रिंट कर देते हैं, वो भी एरो रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए हमको, तो रिवर्स डायरेक्शन में एरो करने के लिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है। यस, अब देखिए हमने थोड़ा सा और इसका लुक जो है वो अच्छा बना दिया है। अब इसको सेव करते हैं, मैं जानबूझ के एक प्रोग्राम आपको पूरे तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्यू वगैरह को भी आप इसी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा रन करते हैं और फिर वही प्रोसेस हम करेंगे। सबसे पहले मैं सेम प्रोसेस करूँगा, 10 20 30 तीनों को इंसर्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं पुश के लिए 2 दिया 10, फिर 2 दिया, मैं एक साथ करता हूँ, 2 दिया 20। अब मैं डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि 10 और 20 दोनों के बगल में एरो आ रहे हैं, जबकि हमको 2 एरो नहीं देना है, सिर्फ जो सबसे लास्ट एलिमेंट है ना उसमें हमको एरो देना है। तो क्योंकि ये टॉप को बता रहा है कि सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास और दूसरा चीज़ है, हमने गेट सी एच लिखा हुआ था इसलिए स्क्रीन पे रुका हुआ है, फिर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो फिर नया एलिमेंट हमसे पूछेगा वो, क्लियर। तो यहाँ पर मैं 0 देता हूँ और 0 देते ही ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अगला हम यहाँ पर आते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है उसमें हमको इफ एल्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लुक हमको यहाँ पर मिले। इफ एल्स के लिए क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे लास्ट एलिमेंट पर हमको देना है। तो इफ लास्ट एलिमेंट कैसे देखेंगे हम, कि आई इक्वल इक्वल टॉप, अगर आई टॉप के बराबर होता है तो एरो लगेगा, अदरवाइज एरो नहीं लगेगा, अदरवाइज होगा सी आउट ए आर आई, बिल्कुल सिंपल सा कोड है ये, एंड।
ये हमारा कोड जो बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। प्लस जो नया हमारा ये स्टार्ट होगा शो में, ये वाला, इसमें हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं, सी आउट इंटेल, ताकि ये हमको बताए कि ये अगला स्टेप हमारा है। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार फिर से इसको रन करते हैं। अब देखिए आपको शो वाला जो फंक्शन है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस मिलेंगे। मैंने रन किया तो ऊपर इस तरीके से एक लाइन आ रही है, हर एक प्रोसीजर के बाद एक लाइन आएगी। अब सबसे पहले मैंने वन किया, स्टैक एम्प्टी है, और उसके बाद एंटर करते ही देखिए फिर ये लाइन आ गई यहाँ पर। लाइन आने का मतलब है कि हमने सेकंड स्टेप के लिए हमको चॉइस पूछी जा रही है। मैंने टू किया, टू के बाद एक नंबर पूछा, मैंने 10 दिया। तो देखिए 10 देने के बाद जब मैं फिर से वन करूँगा तो ये हमारा स्टैक है। अब आप देखेंगे स्टैक में जो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट है उसके सामने पॉइंटर दिखा रहा है, मतलब टॉप पॉइंटर वहाँ पर है, क्लियर है। और स्क्रीन पर ऑप्शन रुका हुआ है क्योंकि मैंने गेट सी एस दे दिया था। अब मैं फिर से जैसे ही एंटर करूँगा तो एक लाइन आई, ये बता रहा है कि अब नया फिर से आपको ऑप्शन पूछ रहा है। मैं फिर से पुश करता हूँ, टू दिया मैंने, एक नया एलिमेंट मंगा, 20 मैंने दिया और एंटर किया तो पुश हो गया। लेकिन अब डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले के लिए ऑप्शन है हमारे पास वन। आपको पता है कि वन डिस्प्ले के लिए है, टू पुश के लिए है, थ्री पॉप के लिए है, और फोर जो है वो एग्जिट के लिए है। तो मैंने जैसे ही वन किया तो आप देखेंगे कि स्टैक इज 10 20, सबसे लेटेस्ट एलिमेंट जो 20 है उसके ऊपर हमारा पॉइंटर जो है डिस्प्ले कर रहा है। यानी जो पॉइंटर है वो ये बता रहा है ग्राफिकली कि अब जब आप पॉप करेंगे तो 20 बाहर आएगा, न कि 10। इसी प्रकार से फिर मैं जब एंटर करता हूँ, आगे आ गया, फिर मैंने पुश करने के लिए एक और कमांड दिया, टू मैं पुश का एलिमेंट दिया, 30 पुश हो चुका है। जब डिस्प्ले करने के लिए वन दूंगा मैं तो आप देखेंगे स्टैक इज 10 20 30, और 30 जो है वो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट है। 30 जो है सबसे लेटेस्ट एलिमेंट है। जब आप पॉप करेंगे तो पहले 30 बाहर आएगा, और 30 बाहर आने के बाद जो पॉइंटर है वो 20 पे चला जाएगा। अब पॉप करके देखिए, यहाँ पर मैं पॉप करने के लिए 3 दबाता हूँ, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 से पॉप होता है। तो मैंने जैसे ही 3 दबाया तो एक एलिमेंट पॉप हो चुका है। और अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, देखिए जो स्टैक था आप ऊपर देख पा रहे हैं कि पहले पुराना जो स्टैक है उसमें 10 20 30 है और 30 के पास एरो है, जबकि यहाँ पर 10 और 20 बचा है और एरो एक पीछे आ गया है, टॉप पॉइंटर जो है वो पीछे आ गया है। इसी प्रकार से हम ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन भी इसी में देख लेते हैं। ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्या होता है, अगर आपका स्टैक फुल हो गया है और उसके बाद भी आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो ओवरफ्लो कहलाता है। तो उसको देखते हैं, स्टैक की साइज मैंने 5 दी थी, यानी कि 5 एलिमेंट स्टोर कर सकता है। तो पहले 5 एलिमेंट स्टोर कराते हैं, 2 एलिमेंट पहले से हैं, मैंने एक और एलिमेंट इंसर्ट किया, फिर मैंने एक और एलिमेंट इंसर्ट किया, और मैंने फिर एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दिया जो 50 है। तो मैंने 10 20 30 40 और 50, 5 एलिमेंट जो मैंने इंसर्ट कर लिए। मैं स्टैक को प्रिंट करता हूँ वन से, तो आप देखेंगे कि हमारे स्टैक में 5 एलिमेंट है, 10 20 30 40 और 50, और 50 के ऊपर पॉइंटर, यानी कि सबसे लेटेस्ट एलिमेंट, सबसे लास्ट में आया हुआ एलिमेंट जो है वो 50 है। अब जब मैं पॉप करूंगा तो रिवर्स ऑर्डर में वो पॉप होगा, क्लियर है। लेकिन अब हमको यहाँ पर देखना है कि स्टैक फुल हो चुका है, क्योंकि हमको पता है कि स्टैक की साइज 5 है। स्टैक फुल होने के बाद अगर मैं इंसर्ट या पुश करने की कोशिश करता हूँ तो एक एरर आना चाहिए जिसको बोलते हैं ओवरफ्लो। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट, फिर से पुश करने के लिए 2 दबाया मैंने, और 60 को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक मैसेज आ गया है जिसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो गया स्टैक, अब इसके बाद और एलिमेंट नहीं आ सकता, स्टैक की मेमोरी जो है वो खत्म हो गई है। अब मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो 60 जो है वो इंसर्ट नहीं हुआ, पुश नहीं हुआ। ये आपका जो एरर हैंडलिंग का जो मैकेनिज्म है कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है, अब इसके बाद स्टैक में जगह नहीं है। अब स्टैक में तभी कोई पुश हो पाएगा या तो कोई एलिमेंट इसमें से पॉप हो जाए, अगर कोई एलिमेंट पॉप होता है तब उसमें जगह बनेगी और फिर उसके बाद पुश हो पाएगा। यानी ये सेम वही कंडीशन है कि जब आप थिएटर में टिकट कटाने जा रहे हैं और वहाँ पर आपकी टिकट जो है पूरी पूरी जो हाउसफुल हो चुका है, अब आप टिकट कटाने आएंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, आपको टिकट नहीं मिलेगी। एक ही कंडीशन है, अगर किसी ने टिकट कैंसिल कराई तो आपको उसकी टिकट मिलेगी, क्लियर।
अब अंडरफ्लो वाली कंडीशन भी एक बार देख लेते हैं। मैं 5 बार पॉप कर देता हूँ, पॉप का शॉर्टकट है 3। मैंने एक पॉप किया, दो पॉप किया, तीन किया। तीन करने के बाद एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं, तो देखिए 10 और 20 हमारे पास बचा है। फिर से मैं इसको पॉप करता हूँ 2 बार, 3, एक बार पॉप किया और 2 बार पॉप कर दिया। स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका है, स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका है। फिर से मैं पॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 दबाया। ऐसी कंडीशन में स्टैक एम्प्टी है और मैं उसमें से कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास अंडर फ्लो वाला एरर। आप देखेंगे यहाँ पर अंडर फ्लो का जो एरर है वो आ गया है। तो इस तरीके से हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर दिया है और ये एक प्रोग्राम अलग से बना के रख दिया। अब किसी को भी अंडू और रीडू का यूज़ करना होगा तो हमारे कोड को कॉल करेगा और पुश और पॉप करके अंडू और रीडू का यूज़ कर पाएगा। अंडू और रीडू का जो प्रोसीजर मैंने बताया था कि 2 स्टैक होते हैं, जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो अंडू वाले स्टैक में इंसर्ट होते रहता है, और जब भी हम अंडू करते हैं तो फिर अंडू से निकल करके वो रीडू में चला जाता है, उन दोनों के बीच में स्विच होता रहता है। उसको मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ये हमने स्टैक का एक इम्प्लीमेंटेशन किया है C++ लैंग्वेज में। किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, चाहे तो सी में करिए, वीबी, जावा, पाइथन, जिस लैंग्वेज में भी करना करिए। एल्गोरिथम का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, सिंपल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास था स्टैक, जिसका काम होता है किसी भी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना, उसके लिए हमने C++ में एक इम्प्लीमेंटेशन किया और उसका कोड आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैं पहले 0 करता हूँ, ये आपके स्टैक का कोड है। इस तरीके से आप यहाँ पर स्टैक का खुद से कोड यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने पुश पॉप एल्गोरिथम का कोड यहाँ पर किया है और स्टैक नाम की एक पहले से यहाँ पे लाइब्रेरी भी होती है, उसमें पहले से ये सारे कोड किए हुए हैं, लेकिन हम अभी सीख रहे हैं इसलिए हमने इसका कोड करना देखा। इस तरीके से कोई भी एल्गोरिथम जो आप पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम पढ़ा, राउंड रॉबिन पढ़ा, उसका भी कोड इसी तरीके से किया जाता है। और वो जो प्रोसीजर वर्चुअल डायग्राम जो हम अपने ब्लैक बोर्ड में देखते थे, अपनी बुक्स में देखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है यहाँ पर इस तरीके से कोड करके। और ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड जो है लो लेवल लैंग्वेज यानी कि सी और इस टाइप की लैंग्वेज में ही किया जाता है, ताकि हार्डवेयर से अच्छे से इंटरेक्शन हो सके।